प्रदेश में एक बार फिर महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाली इमरती देवी के सामने कुपोषण से निपटना बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश में कुपोषण का आंकड़ा 11 लाख के पार है। हालांकि इमरती देवी इसी विभाग को 1.5 साल तक संभाल चुकी हैं और वे विभाग की उस रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं जिसमें कुपोषण के आंकड़े को 11 लाख के पार बताया गया। उनसे बात किया हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। वक्त मेरे साथ महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी हैं। हालांकि इसके पहले भी कमलनाथ सरकार में भी इमरती देवी ने महिला बाल विकास विभाग संभाला। मैडम, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मध्य प्रदेश में कुपोषण का आंकड़ा काफ़ी ऊपर जा चुका है, क्या जिम्मेदारियां, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता है कि मैं उन बच्चों को देखूँ कि कोरोना से कितना वहाँ देखभाल है कि नन्या, उसको देखना। और आपने देखा हो, मैंने तो पहले भी 1.5 साल काम करा है कांग्रेस की सरकार में, जब मुझे सहयोग नहीं मिलता था फिर भी मैंने अपने अधिकारियों को और मैंने खुद ने इतना काम किया कि कई जिला तो कुपोषण से दूर हो गए थे। मैडम, आप ही के विभाग की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण का आंकड़ा जो है 11 लाख के पार है। नहीं, जब मैंने विभाग संभाला था जब बहुत सारे जिलों में कुपोषण मुक्त हो गए थे, हम सुपोषित हो गए थे हमारे बच्चे, लेकिन जो 5 महीने में जो बीमारी की महामारी चल रही थी इसमें हमारे बच्चों की देखभाल नहीं हो पाई। मैडम, महाराज जिस संसदीय क्षेत्र से लड़ते हैं, गुना से, शिवपुर, मुरैना, यहाँ पर 38,000, 40,000, 45,000, 50,000 बच्चे अब भी कुपोषित हैं। नहीं, इतने बच्चे नहीं हो सकते वहाँ। 40,000 हैं, गुना में 52,000। नहीं, महाराज मुरैने से नहीं लड़ते, गुना से, गुना से। नहीं, कोई 52,000 बच्चे नन्या, ज्यादा से ज्यादा देखो तो एक आंगनबाड़ी पे एक या दो बच्चों की संख्या होती है। अब आपने तो आंकड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते, हमें पता नहीं, लेकिन अब मैं जब निकलूंगी बाहर तो मैं आंकड़े बता दूंगी कि कहाँ कितने बच्चे हैं, और पूरे के पूरे आंकड़े मैं 3-4 दिन में आपको बता दूंगी कौन सी जगह कितने आंकड़े हैं। कुछ ऐसा काम जो कमला सरकार में रहते हुए छूट गया हो, आपकी कोशिश हो कि मैं महिला बाल विकास विभाग की मंत्री होने के नाते कुछ ऐसा काम करके जाऊं ताकि लोग याद रखें मुझे हमेशा? नहीं, मैंने काम किया है, आपसे बताया है मैंने काम किया है, जब ही तो अवार्ड मिले हैं और अब मुझे मुख्यमंत्री जी का अच्छा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। इमरती देवी हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं, इसके पहले भी इसी विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी और काफ़ी अच्छा काम किया था। इस लिहाज से केंद्र सरकार ने 2 से 3 बार इनको अवार्ड भी दिया है और अब भी यही दावा है कि आने वाला जो वक्त होगा उसमें भी वो इसी तरीके से काम करेंगी और मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करेंगी और सुपोषित मध्य प्रदेश बनाएंगी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल।